प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में 71 मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रालय का बंटवारा भी हो गया है। बीजेपी ने सरकार भले ही एनडीए के सहयोगी दलों के सहारे बनाई है, लेकिन पीएम मोदी ने हाई प्रोफाइल मंत्रालय अपने पास रखे हैं। मोदी सरकार 3.0 में एक लोकसभा सीट जीतने वाले जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री तो राज्यसभा सदस्य रामदास आठवले को राज्य मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट का पद न मिलने से एनसीपी ने स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया, तो 7 लोकसभा सीटें जीतने वाली शिवसेना के खाते में राज्य मंत्री का पद मिला है। इसके चलते एनसीपी और शिवसेना अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि मांझी और आठवले को मंत्री बनाए जाने के पीछे सियासी मकसद क्या है। लोकसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा रहते हुए हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी चुनाव लड़े थे और अपनी सीट जीतने में कामयाब रहे। आरपीआई नेता रामदास आठवले की पार्टी भी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ी। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ सांसद जीत कर आए हैं, लेकिन मोदी सरकार में शिवसेना के खाते में एक राज्य मंत्री का पद आया है। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी भी एनडीए का हिस्सा थी और एक सीट उन्हें मिली है। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का पद का ऑफर एनसीपी को दिया था, लेकिन अजीत पवार ने मना कर दिया क्योंकि उनकी डिमांड कैबिनेट मंत्री पद की थी। शिवसेना विधायक श्रीरंग वारणे ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमारे स्ट्राइक रेट को देखते हुए हमें कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए थी। एनडीए में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास केवल एक सांसद है, फिर भी उन्हें कैबिनेट में जगह मिली है। ऐसे में शिवसेना के प्रति बीजेपी का रवैया ऐसा क्यों है? इस तरह शिवसेना नेता का इशारा जीतन राम मांझी की तरफ है, जो अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। इसी तरह अजीत पवार की पार्टी की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। शिवसेना से कम जीडीएस के सांसद हैं, लेकिन कुमार स्वामी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसी तरह एलजेपी के भी सांसद कम हैं, लेकिन चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जीतन राम मांझी, रामदास आठवले, चिराग पासवान और जेडीएस को उनके सांसदों की संख्या के आधार पर मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली, बल्कि सियासी आधार के चलते अहमियत दी गई है। मांझी, आठवले और चिराग पासवान तीनों ही नेता दलित समुदाय से आते हैं। मांझी और चिराग की सियासी ताकत बिहार में है, तो आठवले महाराष्ट्र से आते हैं। जीतन राम मांझी मुसहर समुदाय से आते हैं, तो बिहार में ये दूसरी सबसे बड़ी दलित जाति है। पीएम मोदी ने मांझी की सीट से ज्यादा सियासी ताकत को देखते हुए अपनी कैबिनेट में जगह ही नहीं दी, बल्कि अहम मंत्रालय का जिम्मा सौंपा है। चिराग पासवान को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। चिराग के 5 सांसद जीते हैं, वो जिस दलित समाज से आते हैं बिहार में उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए पीएम मोदी ने चिराग पासवान को कैबिनेट में जगह देकर बिहार के पासवान समुदाय को साधने की कवायद की है। इसी तरह राज्यसभा सदस्य रामदास आठवले के पास भले ही एक भी लोकसभा सीट नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में आरपीआई का अपना एक सियासी आधार रहा है। दलित समुदाय के महार जाति के बीच उनकी अपनी पकड़ है, जिसे देखते हुए मोदी ने आठवले को राज्य मंत्री बनाकर सियासी संदेश देने की कोशिश की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से विपक्ष ने संविधान बदलने वाली नैरेटिव सेट किया, उसके चलते मोदी सरकार के लिए दलितों को साध कर रखने का चैलेंज है। इसलिए मोदी सरकार ने दलित समुदाय को सियासी संदेश देने के लिए जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया, तो रामदास आठवले को राज्य मंत्री का पद सौंपा। इसके अलावा बीजेपी ने अपने कोटे से 4 दलित नेताओं को भी मंत्री बनाने का दाव चला है। इसलिए मांझी, आठवले, चिराग को संख्या नहीं बल्कि सियासी आधार पर कैबिनेट में अहमियत मिली है।